दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप ऑल गुड देयर, सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, अच्छी बात है। सो दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा, वो है हमारा माया फ्लूइड्स के ऊपर, कि हम माया सॉफ्टवेयर के अंदर स्मोक कैसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जेन्युइन तरीके से। वही आज हम सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ स्मोक इफेक्ट इन माया सॉफ्टवेयर, ठीक है, 2018 में सीखेंगे हम, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एज सून एज पॉसिबल। और हाँ, नोटिफिकेशन आइकन दबाना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी रुकावट के, चलिए लेट्स गो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। पहले तो आप माया वर्जन ओपन कर लो, आप जो भी वर्जन यूज कर रहे हैं ना, 18, 19, 20, 22, whatever it is, just open it, ठीक है। तो मैंने एक ओपन कर लिया, ठीक है, आपके सामने। अब इससे पहले हमने क्या करना है, इसमें मॉडलिंग में आ जाओ, फिर हमने टेक्स्ट में आ जाना है, ठीक है। टेक्स्ट ले लो यहाँ से, यहाँ से मैं, ठीक है, अभी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं करा है सब्सक्राइब, तो प्लीज जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मतलब, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर लिया। अब हमने इसको सेपरेट करना है, एक एक अल्फाबेट को अलग अलग, ठीक है। पता आपको कैसे करेंगे, यहाँ से आप, पहले तो मैं इसको मॉडिफाई में जाके सेंटर पाइवट कर दिया सबका, ठीक है। अब राइट क्लिक, फेस सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है फिर एक अल्फाबेट पे, और मैश में आना है सेपरेट, ठीक है। ये सेपरेट हो गया, अलग हो गया आपका, देखोगे तो ये देख रहे हो, ऐसे मैं सबको सेपरेट कर दूंगा, फेस डबल क्लिक जी, ठीक है, फेस डबल क्लिक जी, फेस डबल क्लिक जी, सारे कर लो ऐसे आप, ठीक है, हो गए सारे। अरे अलग है ना, अब सबके पाइवेट देखो एक ही जगह आ रहे हैं, ए का भी यहाँ, एन का भी यहाँ, के का भी यहाँ, तो सबके पाइवेट हमें सेंटर में करने पड़ेंगे। तो इसके लिए सेलेक्ट करेंगे, मैश में जाओ, सॉरी मॉडिफाई में जाओ, सेंटर पाइवेट सबको सेंटर कर दो, मैं सबको जी जी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबके पाइवेट देखोगे ना, देखो सबके पाइवेट अब चेंज जी पे हो गया सारे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब ऊपर ले आओ इसको, अब इसको मैं थोड़ा रोटेट करके देखता हूँ, इसको देख रहे हो, अब सबके जो है ना वो अपने डायरेक्शन पे ही रोटेट हो रहे हैं पाइवेट पे, तो ये हमें चाहिए था, ठीक है। तो इस पर एक बारी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इसको हम कंपोनेंट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो और राइट क्लिक प्रेस करो, यहाँ पे देखो कंपोनेंट का आ रहा है ना, देख रहे हो, इस पर छोड़ दो, तो यहाँ पे फिर कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेगा, समझे। कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक कंपोनेंट, तो ये करके छोड़ दो। अब इससे जब आप घुमाओगे ना इसको, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा इसको ये दे देता हूँ रोटेशन बढ़िया सी, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसा दे सकते हैं। तो ये मैंने दे दी रोटेशन इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन नेक्स्ट, अब करेंगे नई चीज़,
इसमें मारेंगे क्लोथ हम, तो सब सेलेक्ट करो, यहाँ पे आएगा एफएक्स में आओ, एन क्लोथ ये रहा, ठीक है, एन क्लोथ में आके क्रिएट एन क्लोथ पे जाके आप क्लिक कर दो बस, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 300 फ्रेम कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं यहाँ से प्ले, देखो अब जा रहा है वगैरह क्लोथ वगैरह नीचे जा रहा है, नीचे चला गया, देख रहे हो आप, तो हमें इसे नीचे नहीं जाना, ये देख रहे हो दूर से देखते हैं, तो ये नीचे नहीं जाना चाहिए हमारा ना, गलत काम हो जाएगा नीचे चला गया तो, है ना। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ये यहाँ रुक जाए, बताओ, उसके लिए हमने न्यूक्लियस वन में आना है, और यहाँ पे देखो ग्राउंड प्लेन है, ग्राउंड प्लेन यूज प्लेन को ऑन कर देना बस, कुछ नहीं करना और, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दो, अब चला के देखो एक बार आप, तो यहाँ पे अब ग्राउंड पे रुक जाएगा ये, ठीक है, ये देखो रुक गया ना, अभी कहीं नहीं जा रहा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब यहाँ तक हो गए 300 फ्रेम तक एंड क्लोज। अब इसका क्या करना है, हमने कैशे बनाना है सबसे पहले, तो सारा सेलेक्ट करो आप, नहीं करना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कैशे में आओ, इस ओलंपिक कैशे में आओगे ना आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सपोर्ट ऑल टू ओलंपिक, ठीक है, इस पर क्लिक कर दो बस, और जहाँ पे भी डेस्टिनेशन, पहले देखो एक्सपोर्ट करना है आपको कैशे ओलंपिक, एक्सपोर्ट ऑल टू ओलंपिक, और यहाँ पे जाके ना टाइम स्लाइड बार कर देना, कि यहाँ पे जितना भी स्लाइड बार आया ना आपका, जितना भी आप फ्रेम्स ले रहे हो तो वो ले लें, एक्सपोर्ट ऑल क्लिक। अब जहाँ भी आपने दे रखा है ना, जैसे मैं न्यू देता हूँ, न्यू फोल्डर कैशे वन, ठीक है, ये दे दिया, फिर मैं इसको नाम दे देता हूँ कैशे, एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे टाइम लाइन पे ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जब तक एक्सपोर्ट आ रहा है वेट करिए, 300 फ्रेम तक, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए वैसे तो, होने दो, क्या हुआ, ओ कसम वो इरादा, जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, फाइल में जाना है, न्यू सीन डोंट सेव पे क्लिक कर दो, अभी पूरा नया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैशे में आओ, एम मेन कैशे इम्पोर्ट एम, अब जहाँ पे भी आपने वो किया है ना उसको फोल्डर खोलो और यहाँ पे जाके इम्पोर्ट कर दो, बस ख़त्म। अब आप देखोगे ना तो यहीं पे वो कैशे फाइल आ गई आपकी पूरी, देख रहे हो आ गई ना, इसको 300 कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये आ गई हमारी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ आउटलाइनर में, न्यूक्लियस को डिलीट कर दो कि हमें चाहिए नहीं, अब क्या करना है उसका, हमने कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ने के लिए अपन ने करना क्या, सबसे पहले अब आगे बढ़ने के लिए अपन ने सबसे पहले क्या करना है, ठीक,
ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको कंपोनेंट कर लिया है, ठीक है, हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब एफएक्स में आ जाओ आप, ठीक है। अब एफएक्स में आके ना आपको मिलेंगे यहाँ पे फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में आके 3D कंटेनर मिलेगा, यहाँ पे हमने कंटेनर आ जाएगा आपका ऐसे। मैं इसको स्केल कर लेता हूँ अपने हिसाब से ना, इसको एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। ये मैंने कर लिया है स्केल जितना मुझे चाहिए, थोड़ा सा और, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे साइज, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन ने बताओ क्या करना है, अब अपन ने करना है इसको एक बार प्ले करके देखते हैं पहले क्या हो रहा है। यहाँ से प्ले करो तो ये देखो, यहाँ पे एक एमिट हो रहा है फ्लूइड्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये सिलेक्ट करो सारे, ठीक है, एमिटर को छोड़ दो, सिर्फ आपने करना है ये सारे सिलेक्ट अल्फाबेट्स, ठीक है। फिर शिफ्ट करके हमने ग्रिड को सिलेक्ट करना है, फिर आना है हमने फ्लूइड्स में, एड एडिट कंटेंट्स, और यहाँ पे कर देना एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, कि अब ये जब एमिट होए तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर से हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब हमारा जो ये है अभी टेक्स्ट है, ठीक है। ये देखो अब इसमें से फ्लूइड एमिट हो रहा है, देख रहे हो, मतलब स्मोक लगा लो आप, ये निकल रहा है इसके अंदर से, ठीक है दोस्तों। दोबारा देखो एक बार, ठीक है, चलो अब आगे करते हैं हम। इस पर क्लिक करो तो हमने सेटिंग पे आ जाएगी सारी इसकी, कंट्रोल ए, ये सारी सेटिंग्स आ गई इसकी ना, सारी सेटिंग्स है फ्लूइड्स की, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं और, ठीक है। अब हमने कंटेंट प्रॉपर्टीज में देखो बेस रेजोल्यूशन है आपको कितना चाहिए, जैसे 10 है ना, मैं इसको करता हूँ 65, ठीक है। अब एक बार प्ले करके देखो, देखो कितना सही आ रहा है ना पूरा स्मोक, अब देख रहे हो हैवी बल्क में हो गया ये, पहले कितना कम था ना, अब कितना बल्क में आ रहा है। इसको बैक करो, अब देखो एक बार इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को, कि ये फाइल ना उड़ ना जाए कहीं से, ठीक है। कितना बल्क में आ रहा है ना, देख रहे हो। अब क्या करना है हमने इसके लिए, और 70 कर देता हूँ इसको बस, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 65 भी ठीक था। अब यहाँ पे आ जाओ, एक डिस्प्ले में देखो, यहाँ पे आपके ऑप्शन मिलते हैं, रिड्यूस्ड, बॉन्डिंग बॉक्स, फुल कर दोगे ये देखो आपके सारे टोटल में आ जाएगा, ये पूरा दिखेगा नहीं इसमें आपको पूरा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ बाउंडिंग बॉक्स, रिड्यूस कर लो आप जो मर्जी कर लो, ठीक है, देखने के लिए होता है बस, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसकी हेल्प करने की आपकी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, और आपको एफएक्स बनाने में इंटरेस्टेड है तो मैं लिंक्स दे दूंगा कुछ,
जिससे आप और अच्छे अच्छे इफेक्ट सीख सकते हैं। माश का भी है, उससे भी आप सिंपली बहुत अच्छा इफेक्ट बनाना सीख सकते हैं, जैसे ब्रेकिंग वॉल हो गया, ट्रेल्स इफेक्ट्स हो गए, ठीक है, बॉल्स कितना कंटेनर होगी, वो सब मैंने बनाया, आप देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमने आगे, ये हमने कर लिया, अब आ जाओ सीधा, ये देख रहे हो आप कंटेंट डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डेंसिटी का। अब डेंसिटी है मतलब जितनी आपको कम ज्यादा कितनी करनी है, देख रहे हो ब्लंस बाउंसी है कि आप बाउंसी कितना बाउंसी होना चाहिए, तो आपको ये खुद करके पता चलेगा, देख रहे हो आप ये नीचे हो गया, पहले ऊपर जा रहा था ना, आप देखो जैसे भी आप करोगे ना यहीं से वो इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, जैसे मैं पहले डेंसिटी थी यहाँ पे, ये देखो पहले ऊपर आ रहा था ना, आप देखो ये नीचे आ रहा है स्मोक, कि मैंने इसका जो बाउंसी है वो माइनस में कर दिया, अब ये देखो ये ऊपर जाएगा, कि मैंने इसकी बाउंसी, ठीक है डेंसिटी ज़्यादा होगी कुछ थोड़ी सी कम कर दो, अगर आप इसको माइनस करते हो ना बाउंसी को, देखो माइनस वन कर दिया तो ये जब जाएगा आप नीचे को जाएगा, ये देखो ये नीचे को, देख रहे हो, तो हमें नीचे नहीं करना है तो इसको ऊपर करना है हमें, तो मैं इसको वन कर देता हूँ इसको, ठीक ठीक है अब देखो। ठीक है दोस्तों, ये हुआ, अब आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन डिफ्यूजन्स ये सब आपकी करके देखना पड़ेगा आपको ना खुद, इससे क्या नॉइज कितनी है, मेरे को नॉइज चाहिए 0.2 कर देता हूँ, ठीक है नॉइज आपके ऊपर, आप कितनी नॉइज देना चाहते हैं उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। डिसेप्शंस देखते हैं क्या, डिस्क्रिप्शंस देख रहे हो आप, अभी स्मूथ हो गया है, देख रहे हो रियल पूरा रियल आ रहा है, जितना भी आप इसको बढ़ाओगे ना उतना ही रियल का इफेक्ट देगा आपको, ये देखो देख रहे हो, तो ज़्यादा हो गया तो थोड़ा इसको कम कर देते हैं, ये अच्छा ही लग रहा है ना, ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है, बढ़िया, तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं आगे और डिटेल्स डालते हैं, इसके अंदर नॉइज दे दिया हमने, डेंसिटी या वेलोसिटी में आ जाओ, ठीक है वेलोसिटी में थोड़ा खेलते हैं हम, हल्की सी वेलोसिटी और नॉइज इसमें थोड़ा सा क्रिएट करके देखते क्या होता है। अब ये देखो, अब देखो वेलोसिटी दी ना तो थोड़ा और नेचुरल आ जाएगा, ये देख रहे हो, देख रहे हो है ना, अब हमने टर्बुलेंस भी थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देते इसमें, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मैंने हल्का सा टर्बुलेंस बढ़ाया तो देखते क्या होता है। अब देखो कैसे टर्बुलेट हो रहा है, देख रहे हो स्मोक इसमें नेचुरल तरीके से, देख रहे हो है ना, हल्का सा और बढ़ा दो तो अब देखते हैं, नाइस, थोड़ा रियल इफेक्ट आ रहा है इसमें अब है ना, टर्बुलेंस दे दिया हमने। ठीक है दोस्तों, आप क्या करते हैं एक बार लाइटिंग में आ जाओ, इसकी जो रियल देखते हैं ना अभी शेडोज जो आ रही, शेडोज नहीं बन रही ना अभी, तो आप इसको रियल थोड़ा देने के लिए लाइटिंग में सेल्फ शेडो ऑन कर दो, तो ये देखो खुद की शेडोज ऑन होगी इसकी, तो यहाँ से ना आप इसमें कलर भी दे सकते हो, आप देख रहे हो लाइट ब्राइटनेस कम, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो इजीली, लाइट कलर भी दे सकते हो आप अगर
चेंज करना हो ये देखो है ना, यहां से आप कुछ भी कलर इसमें पिक करा के दे सकते हो। देख रहे हो जैसे मैंने दे दिया थोड़ा ब्लू टिंट में। ठीक है दोस्तों, सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, आप यूज करके देख सकते हो सारे ऑप्शंस को, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये लाइटिंग भी हमने इसमें डाल दी है। सारे ऑप्शन आपको खुद करके एक बार चेक करके देखने पड़ेंगे सारे। ठीक है, अब यहाँ में कंटेंट मेथड्स में आके ना यहाँ पे मिलेगा एक टेम्परेचर कि हमने इसलिए यूज़ कर दिया जैसे कि आग लग गई हो, कुछ हमने दिखाना हो कि आग लग रही है या क्या, उसके लिए हम टेम्परेचर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जाके हमने डायनेमिक ग्रिड को ऑन कर देना है बस, अभी तो जीरो पे आ जाओ। अब इसको एक बार प्ले करके देखेंगे हम, अभी देख रहे हो इसे आग नहीं लग जाती, वो इफेक्ट आप दे सकते हो यहाँ से, देख रहे हो। अब हम इसकी सेटिंग्स कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे आओगे ना तो आपको टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ से, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा ये देख रहे हो कर सकते हो। ठीक है, बाउंसी कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए यहाँ से, आप प्रेशर कितना चाहिए, रिसेप्शंस कितना चाहिए, सब यहाँ से आप करके देख सकते हो, देख रहे हो। मैं इसको हल्का सा बढ़ा देता हूँ कि रियलिटी वाला आग लगी हो जैसे लगे, देख रहे हो आप, धुआं धुआं हो गया सारा, धुआं धुआं है दिल ये मेरा। ये देखो है ना मस्त। आप देखो जन्म का ज्यादा जितना भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, भी टर्बुलेंस बढ़ाना नॉइस बढ़ानी यहाँ से आप सिंपली कर सकते हो टेम्परेचर के थ्रू। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक आनी नहीं चाहिए, आप सब स्मार्ट लोग हो वैसे मेरे को पता है ना। चलो फिर और थोड़ा इसमें डिटेल्स देने की कोशिश करते हैं अपन। अब देखो ऑटो रिसाइज का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ ना तो देखो क्या होता है। देख रहे हो आप, ये अपने आप साइज ले लेता है फिर इसका ना, देख रहे हो, ये भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं आपको अगर आपको करना है तो। ठीक है, ये अपने आप साइज ले लेगा उसका, ये देखो। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ से देखो वो आपके ऊपर, आपको जैसा भी अच्छा लगे ना वैसा यूज कर सकते हो इसको। ठीक है दोस्तों, नॉट बैड हाँ। मैं थोड़ा सा और इसको इफेक्ट धुआं धुआं हो गया पूरा, आग लग गई है ना। थोड़ा सा और इसमें इफेक्ट्स देने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ शेडिंग में जाके देखो आप यहाँ से भी शेड भी दे सकते हो, देख रहे हो। आपके ऊपर है वो, एक बार ट्राई करना सारे ऑप्शंस को एक बार खुद से कि आप और रियलिटी इफेक्ट्स बना सके। ठीक है, इसको 80 कर देता हूँ, एक बार देखते 80 में जाके कैसा हो रहा है।
भयंकर आग लग गई है तो है नहीं, 80 में तो ज्यादा ही हो रहा है, 65 ही ठीक है अपना। मर्द ही आपको अगर टेम्परेचर ऑन करके दिखाना कुछ जल रहा है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर सकते हो। ये तो मैंने टेक्स्ट लिया, आप कोई बॉडी मैश भी ले सकते हो कि जैसे बंदा चल रहा है वो जल गया, एक्सप्लोड हो गया, कुछ भी हो गया, तो उससे भी आप दिखा सकते हो घर जल गया हो, उसमें भी ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ भी ले सकते हो एज अ प्रॉप, जैसे मैंने टेक्स्ट लिया है अपना चैनल का, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, एनीथिंग यू कैन टेन एनीथिंग। मैं टर्बुलेंस की स्ट्रेंथ अगर इनकी बढ़ा देता हूँ कुछ ज़्यादा ही, अब देखते क्या होता है। देख रहे हो ये तूफान ही आ गया हो। तो इतना भी टर्बुलेंस नहीं देना, अच्छी बात नहीं है, तो कम भी थोड़ा रख लो इसको। ठीक है दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे इफेक्ट्स बनते हैं इसके अंदर, माया के अंदर, तो आप ट्राई करिए। कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमने बना लिया है, ठीक है, अब हम इसका क्या करना है, हमने डिस्प्ले में आके ना इसको मैं अगर नन कर देता हूँ, और एक बार इसमें प्ले करके देखो, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं एक बार इसका प्ले ब्लास्ट निकाल के देखता हूँ कैसा आ रहा है। राइट क्लिक, प्ले ब्लास्ट, यहाँ पे 100% कर दो, एक बार सेटिंग देख लेता हूँ मैं जाके क्या सेटिंग है इसकी। ठीक है, कैमरा लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर है, मर्जी आपकी, मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ठीक
ठीक है 100% है। प्ले ब्लास्ट निकालते हैं हम, देखते हैं ठीक है। लेट्स सी हाउ द प्ले ब्लास्ट गेम। ठीक है दोस्तों, और सब बढ़िया घर में, सब कोई दिक्कत परेशानी, सब अच्छा ना? अच्छी बात है। रोई ना जे याद मेरी आई वे, खुश रहे खाना भर आई वे, होया कि जो तो तुम तो दूर हो गया, सुपना दिलादा चूर चूर हो गया, देखी किसे दे नाल रुड़ जाई वे, रोई ना जे याद मेरी आई वे। चलो ये निकल गया, अब देखते प्ले ब्लास्ट कैसा आया। प्ले ब्लास्ट हमारा ये वाओ नॉट बैड। हाँ तो ये प्ले ब्लास्ट है, तो लाइटिंग करके आप इसका रेंडर निकाल सकते हो आराम से, मस्त। ठीक है दोस्तों, और इसका थोड़ा सा उसमें निकालते हैं, उस मोहल्ले दे विच पार पा लिया। मस्त है ना गाना, जरूर सुनना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे बताऊं, सच बताऊं तो मस्त गाना लगता है मुझे। निकलने दो प्ले ब्लास्ट यार, वेट करो, एचडी में निकाल रहे, थोड़ा हाई क्वालिटी में, सबर नहीं करते यार तुम, करो सबर थोड़ा। निकल रहा 200 फ्रेम हो गया, 100 फ्रेम रहता है ठीक है। और अपने पीसी के हिसाब से करना कि बहुत सारा कितना इफेक्ट देना कितना नहीं, अपने पीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना, कभी वो धुआं निकाल दो तुम उसका ठीक है, पार्टिकल्स को। ये निकल गया हमारा फुल फ्रेम में, अब देखते हैं इसको हम। वो वो ये मस्त लग रहा है ना दोस्तों, नाइस। तो किसी भी और एंगल से निकाल के देखते हैं एक बार, ये तो है ही बढ़िया। एक बार इस एंगल से निकाल के देखते हैं थोड़ा कैसा आ रहा है। प्ले ब्लास्ट में जाओ और बस प्ले ब्लास्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, ऐसी उलझी नजरों से हटती नहीं, आंख से रेशमी डोर कटती नहीं, अल्लाह ये धड़कन चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा पारा पारा पारा, दिल तो बच्चा है जी वो थोड़ा बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी। पुता था पहनों में रखा, दिल ऐसा हाजी भी होगा,
ये हो गया हमारा फुल फाइनल, ठीक है। अब एक बार इसको फुल स्क्रीन में करके चला के देखते हैं अपन कैसा आ रहा है। ग्रेट, मस्त आ रहा है ना, रियल। थोड़ा सा एक बार क्लोजअप में करके देखते हैं, हल्का सा। लास्ट बार ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप ट्यूटोरियल ट्राई करिए। आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं ऐसे ही ट्यूटोरियल लाता रहूँगा, आता रहूँगा आपका दोस्त सोचता हूँ कुछ अच्छे। आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते दीजिए और मेरे साथ रहिए, ठीक है। निकलने दो, लास्ट प्ले ब्लास्ट, ठीक है। वेट करो थोड़ा, चलो तो आप अपनी तरफ से लाइटिंग भी ला सकते, अच्छी मस्त वाली लाइटिंग लगा, इसका रेंडर निकाल के आप कोई भी शॉट में आप डाल सकते हैं, कि आपको अपना लोगो बनाना हो या पैसे बना सकते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं? गुड, समझ गए तो अच्छी बात है। ये निकल गया हमारा फाइनल, अब इसको हम प्ले कर लेते हैं एक बार। ये जूम, अंकु टून्स गिर गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप ये ट्यूटोरियल बना सकते हैं फ्लूट की हेल्प से माया के अंदर, ठीक है। अगर आपको भी दिक्कत आती हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और आपको कोई भी और इफेक्ट्स या कुछ भी सीखना हो मैं लिंक्स बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूँ, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो अगर आपको इफेक्ट्स में भी सीखनी हो चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, प्लीज़ हिट दैट बेल आइकन बटन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है दोस्तों। तो मिलता रहूँगा, आता रहूँगा आपका दोस्तों संकुश। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोज़ाइमास, माता नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाना कहीं, स्टे विद मी, सी यू सून।